वित्त आयोग ने नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों के लिए बैठक, जिसमें निगम के टैक्सेशन का दायरा बढ़ाने के साथ ही संधारण के लिए मिले अतिरिक्त राशि को लेकर अन्य चर्चाएं भी हुई। इसके साथ ही बैठक में नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव आयोग को दिए। वित्त आयोग ने मंगलवार को दुर्ग पीडब्ल्यूडी सभागार में संभाग के नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष सर्जियंस मिंज ने की। इस दौरान संभाग आयुक्त महादेव कावरे भी मौजूद रहे। निकायों के प्रतिनिधियों ने कहा कि नगरीय निकाय बेहतर वित्तीय व्यवस्था होने पर ज्यादा नागरिक सुविधाएं दे सकते हैं। इसके लिए नगरीय निकाय को ऐसे अवसर देने होंगे जिससे उनके अतिरिक्त आय में वृद्धि हो सके। प्रतिनिधियों ने बताया कि निगम की बड़ी राशि स्थापना व्यय में खर्च होती है और विकास के लिए तथा नवाचारों के लिए काफी कम राशि बचती है। इसके लिए दो रास्ते हैं, जिन करों की वसूली के लिए पहले निगम को अधिकार था उन्हें पुनः दिया जाए अथवा इसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। इसके साथ ही बैठक में नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों ने अपने अन्य सुझावों को आयोग को दिया। बैठक में अपने संबोधन में अध्यक्ष ने कहा कि बहुत उपयोगी सुझाव स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की ओर से आए हैं, इनसे शासन को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम की आय बढ़ाने के साथ ही यह भी ध्यान देना होगा किस प्रकार निगम का खर्च अनुपयोगी मदों से बचाया जा सके। इस अवसर पर संभाग आयुक्त श्री कावरे ने कहा कि आज की बैठक में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों ने जो सुझाव साझा किए हैं उसका लाभ सभी को मिलेगा। आज जो सुझाव आए हैं उसके माध्यम से नगरीय निकायों को निरंतर मजबूत बनाने की सरकार की कोशिश को बल मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।